दिन दूध में उबाल कर पी लो, 100 साल तक हड्डियों की कमजोरी, अनिद्रा, थकान, जोड़ों में दर्द कभी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा घरेलू पावरफुल उपाय शेयर करने वाली हूँ जिसके सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। कभी भी कमर में, पीठ में, बदन में दर्द होता है या फिर जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है तो कम हो जाएगा, हड्डियों में होने वाली कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है, शरीर में दिन भर सुस्ती छाई रहती है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो इसे लेने से बॉडी में एनर्जी आएगी। इसके अलावा रात में नींद न आने की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आप गंजेपन की शिकार हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसे लेने से शरीर में थकावट और कमजोरी तो दूर होगी ही, साथ ही साथ आप 70 की उम्र में 25 का एहसास करेंगे, बुढ़ापे में भी आप दौड़ लगा पाएंगे। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस घरेलू उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो चीज लेंगे वो है बादाम। न्यूट्रिशन से भरपूर होने के कारण बादाम हमारी आंखों की रोशनी, दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही इसमें दोस्तों मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनाकर रखता है। यहाँ पर आपको बादाम लेने हैं जिसमें तेल भरपूर मात्रा में हो, यानी कि उसकी गिरी सूखी हुई ना हो। आपको देसी बादाम इस्तेमाल करना है, इसमें कश्मीरी बादाम ही अच्छा होता है, या फिर आप अफगानी बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी गुणवत्ता गिरी के नाम से जानी जाती है। इसमें दोस्तों तेल की काफी मात्रा होती है, इस वजह से ये थोड़ी महंगी भी होती है। अगली चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है खसखस। खसखस के इतने चमत्कारी फायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खसखस में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है। जी हाँ, खसखस ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन के रिच सोर्स है जो हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ इसमें कई तरह के फाइटोकेमिकल, इसके अलावा इसमें विटामिन बी, थायमिन और मैग्नीज पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। साथ ही साथ इसे दर्द निवारक भी कहा जाता है, यानी कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, जिनके जोड़ों में सूजन है, वो खसखस के इस्तेमाल से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद अगली चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटी डिप्रेशन गुण पाए जाते हैं जिस कारण काली मिर्च लोगों की टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा खांसी जुकाम में भी इससे राहत मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, काली मिर्च से कब्ज में भी आराम मिलता है। काली मिर्च कफ और वात नाशक होती है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या से तो छुटकारा दिलाएगी ही, साथ ही साथ अगली छाती में बलगम जो जम जाती है, खांसी की समस्या हो गई है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या हो गई है, तो इसमें काली मिर्च दवाई की तरह काम करती है। इसके अलावा ये हड्डियों के रोगों को भी दूर करने में मदद करती है। इसके साथ आपको स्वाद के लिए धागे वाली मिश्री लेनी है। हमने यहाँ पर चीनी का प्रयोग नहीं करना क्योंकि चीनी स्वाद के लिए तो अच्छी होती है लेकिन शरीर को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है, हड्डियों को कमजोर करती है, जबकि मिश्री मीठी होने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है। यहाँ पर आपने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम एक हरी इलायची लेंगे, इससे इस रेमेडी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और इससे पचने में भी आपको मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को तैयार कैसे करना है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक खाली बर्तन लेना है, इसमें आपने 1 चम्मच खसखस ऐड कर देनी है। खसखस दोस्तों इतनी पावरफुल है कि इसका 1 चम्मच ही काफी है, तो यहाँ पर अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो खसखस का इस्तेमाल 1/2 चम्मच से ज्यादा आपने नहीं करना और बड़े लोग 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमने लेनी है 1 हरी इलायची, इसके साथ लेंगे हम 4 काली मिर्च, इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको खांसी की समस्या है, छाती में बलगम है, सूखी खांसी है, तो यहाँ आपने 4 काली मिर्च की जगह पर 6 से 8 काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ आपको खांसी की समस्या में ही 6 से 8 काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर नॉर्मल है तो आपने 4 काली मिर्च ही लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 बादाम। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम इसकी क्वांटिटी आधी कर देंगे। दोस्तों इन सभी चीजों को हम दरदरा कूट लेंगे। आप मिक्सी की हेल्प से भी इसे पीस सकते हैं। चलिए अब इस हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी को बनाते हैं। आपने एक बर्तन लेना है जो कि आप गैस पर रख दीजिए। इसमें आपने 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। दोस्तों घी हमारे शरीर के लिए अमृत से कम नहीं है, ऐसा आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी कहा गया है। दोस्तों 2 चम्मच घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास पाता है। घुटनों में चिकनाहट, ग्रीस की कमी, वीर्य बल की कमी कभी नहीं हो पाएगी। घी खाने वालों के चेहरे पर चमक हमेशा बनी रहती है।
घी दोस्तों वात और पित्त को कंट्रोल करता है। घी थोड़ा गर्म होने पर हम इस मिक्सचर जो कूट कर दरदरा बनाया था इसे इसी घी में डाल देंगे। अब हम इसमें एक गिलास कच्चा दूध ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से उबाला देंगे। आप चाहें तो मीठा के लिए मिश्री ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बगैर मिश्री के भी इसे सेवन कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है तो मिश्री का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। हालांकि दोस्तों ये बगैर मिश्री डाले ही बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने 4 से 5 मिनट हो गए हो गर्म होते को, तो गैस ऑफ कर दीजिए और हमने इसको अच्छे से गिलास में निकाल लेना है। हमारा ये उपाय, ये रेमेडी बनकर तैयार हो गया। दोस्तों ये उपाय आपके शरीर में थकान कमजोरी को दूर करेगा ही करेगा, साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाएगा। इसे पीने से हमारे शरीर में ऐसी फुर्ती आएगी कि आप 70 की उम्र में 25 का एहसास करेंगे। जी हाँ, हर उम्र के लोग इसे ले सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी को आधा कर देना है। दोस्तों अब जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों आप इसे रात को पीकर सोएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस दूध को पीने से नींद बहुत अच्छे से आएगी। दोस्तों जब आप इसको रात को पिएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि खाना खाने के 1 घंटा बाद में और सोने के आधा घंटा पहले इसको पीना है, ताकि डाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा अगर आपको गाय का दूध नहीं पच रहा तो यहाँ पर आप बादाम का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय इतना असरदार है कि इसे लेने से 3 से 4 दिन में ही चुस्ती फुर्ती का एहसास करेंगे। आप कोई भी काम करेंगे, आपके शरीर में ताकत महसूस होगी, थकावट दूर हो जाएगी। इसके लगातार इस्तेमाल से आपको दिल और दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इस रेमेडी को आप जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपके कोई भी सवाल है इस रेमेडी से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।